क्या वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और कुछ कोचिंग सेंटरों में, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो दृष्टि में पड़ती है, उसको 3 तारीख से बोला है कि आपकी कोचिंग चालू है, 4 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन कल मैं जाके उसके बिहाफ पर पूछ के आया, उन्होंने बोला वैसे कोई प्लान नहीं है, हमने बच्चों को मैसेज भेजा ताकि बच्चे यहाँ पर आ जाएं। मांझी फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो इस प्रवृत्ति को लेकर चलता है वो जरूर आगे बढ़ता है। बहुत से लोग गरीब प्रवृत्ति के आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे जाते हैं। कई मेरे भाई हैं, जानकार हैं, कलेक्टर हैं, SDM हैं, DM हैं, इवन जुडिशरी में भी हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। जो बच्चे UPSC लवर हैं, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं और मुखर्जी नगर आना चाहते हैं या मुखर्जी नगर में रहते हैं और भारत के कोने कोने से देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम एक और शानदार जानदार वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे UPSC लवर हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक। मैं दोस्त सिविल की तैयारी करता हूँ यहाँ UPSC की। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दोस्त रहने वाला दिल्ली का ही हूँ पर यहाँ रूम लेकर रहता हूँ मैं। यहाँ पे आप कितना रूम, जो रेंट है रूम का कितना पे कर? मैं रूम का रेंट दोस्त 12,000 रुपये है मेरा भैया, एक महीने का। हाँ जी, एक महीने का 12,000। अकेले रहते हैं? मैं अकेले रहता हूँ भैया, दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ, आपका दोस्त कोचिंग करने के लिए क्या करें, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है अब देश में, आप देख ही रहे हो, किसान धरना दे रहे हैं, रोजगारी कोई सुन नहीं रहा, आप जैसे मेरे जैसे नौजवान भाई परेशान, ऐसी तो है और कोई बात थोड़ी है। तो अभी कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन? दोस्त भैया पता है एक्चुअली तैयारी जो होती है वो रियल में ऑफलाइन ही होती है, रियल में तैयारी ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन में मैं आपसे डाउट नहीं पूछ सकता, ऑनलाइन में आप कुछ भी कहते रहो, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ कि सरकार जितने ढकोसले करते हैं उसके बजाय रियल चीज़ों पर ध्यान दे। कौन से कोचिंग से कर रहे हैं आप? मैं भैया देह से कर रहा हूँ। कितनी आपका जो फीस आपको पे करनी पड़ी थी? मेरे को दोस्त 2,60,000 फीस पे की थी भैया मैंने। कितने दिन पहले? मतलब हो गए, मेरे आप तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बाकी मैंने कोचिंग वहीं से ली है। जो बच्चे करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना है? मैं सजेस्ट ये करना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई ऑनलाइन से बेटर आप ऑफलाइन जाइए, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। आप इन 1-to-1 मतलब एक टीचर से संवाद कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। आप ऑनलाइन में कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, जब टीचर का मन करता है वो तब आता है और जब वो बता देता है तो चला जाता है, उसमें आप कुछ ना सवाल उठा सकते हैं जवाब उठा सकते हैं। बिहार से लोग आते हैं, बंगाल से, पश्चिम बंगाल, इतने गरीब तबके के लोग आते हैं, अपनी ज़मीनें बेच बेच कर आते हैं, उनकी दशा देखिए आप। और यहाँ के लैंडलॉर्ड किराया कम करना बिल्कुल नहीं चाहते, बहुत लोग ऐसे परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे परेशान हैं भैया। अभी यहाँ पे खतरा कहाँ तक है, कितना तक है? भैया खतरा हो ना हो लेकिन आप रोडों पे किसी कोई चिंता है नहीं। और थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बताना कि थोड़ी सी ना सेफ्टी रखी जाए, बाकी सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सरकार का चुनाव हो सकता है तो बच्चे की पढ़ाई भी हो सकती है यार। अब बिहार में चुनाव करा लिया, वहाँ कोरोना नहीं था, अब बंगाल में चुनाव हो जाएगा, वहाँ कोरोना नहीं था, अभी जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय चुनाव होता वहाँ कोरोना नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए कोरोना हो जाता है यार। हमारा देश का यूथ यही है, कल कोई PM बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, तो यही सब चीज़ें अगर सरकार ने ध्यान देगी, सिर्फ चुनाव पे ध्यान देगी, तो हम जैसे भाई तो बेरोजगार रह जाएंगे ना। क्या यहाँ पे एक बिल्कुल गरीब परिवार से आके बच्चा बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है भैया, मेहनत कुछ भी कर सकते हैं, वो एक मांझी फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो इस प्रवृत्ति को लेकर चलता है वो जरूर आगे बढ़ता है। बहुत से लोग गरीब प्रवृत्ति के आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे जाते हैं। कई मेरे भाई हैं, जानकार हैं, कलेक्टर हैं, SDM हैं, DM हैं, इवन जुडिशरी में भी हैं। हाँ आपने वो सवाल पूछा ना कि 1 जनवरी से कोचिंग खुलने वाली है, एक्चुअली दोस्त उसके पीछे रीज़न क्या, वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और कुछ कोचिंग सेंटरों में, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो दृष्टि में पड़ती है, उसको 3 तारीख से बोला है कि आपकी कोचिंग चालू है, 4 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन कल मैं जाके उसके बिहाफ पर पूछ के आया, उन्होंने बोला वैसे कोई प्लान नहीं है, हमने बच्चों को मैसेज भेजा ताकि बच्चे यहाँ पर आ जाएं और फिर कोचिंग का कुछ प्लान करा जाए, बच्चों की गैदरिंग होगी तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं टीचर का सब। सारे टीचर ये सोच रहे हैं बच्चे एक बार आ जाएंगे तो सरकार पे कुछ प्रेशर बनेगा, लेकिन उन टीचरों को ये भी चाहिए ना कि थोड़ी सी सेफ्टी सावधान रखें। जहाँ आप 100 बच्चे बिठाते हो वहाँ 50 बिठाओ एटलीस्ट। जितने दुकानदार बेरोजगार भाई इन सबकी देखो ना हालत, जहाँ पर इनकी ये भाई देखो PG चलाता है, ये दुकान वाले भाई है, ये करंट अफेयर पूरी प्रिंटआउट निकालते हैं, दोबारा रख देते हैं, फिर अगले ईयर का निकालते हैं। NTPC एग्जाम देखो ना 1.5 साल बाद हो रहा है, बच्चे जिसने करंट अफेयर पढ़ी थी ना वो इतिहास हो गया आज। कोई तरीका यार, 1.5-2 साल में एग्जाम लोगे तो जो करंट अफेयर था वो तो इतिहास बन गया। श्रीदेवी कब मरी थी वो करंट अफेयर में था, आज वो इतिहास से खत्म है खेल। तो ऐसे भाई बेरोजगार है, दुकान पे आपको एक बच्चा दिख रहा है, आप दिखा एक बार भैया, कैमरा दिखाओ एक बार भैया, एक बार दुकान दिखाई यहाँ पर, देखिए एक बच्चा नहीं इस दुकान पे, ऊपर की तरफ दिखा दो, देखो ये आकाश फोटो स्टेट वाले भैया, यहाँ एक बच्चा नहीं दुकान पे, कहाँ ये डेली कम से कम 100 किताबें भेज देते थे, दुकान पे एक भी नहीं है। पूछो भाइयों से, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ,
यहाँ पे एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे भाई। हाँ। कुछ बच्चे लगातार हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग मुखर्जी नगर में खुल गए हैं, ईजी क्लासेस नाम का कोई कोचिंग है वो खुल गया है, मतलब उसे दिखाइए, ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो उनको बता दें अभी कोई कोचिंग नहीं खुला है। अभी कोई भी कोचिंग नहीं खुला है। ये मैं तो चलो आप एज ए स्टूडेंट हूँ, जो बुक्स वाले हैं बच्चा आएगा तो पढ़ेगा तो किताबों से ही, बिना हथियार के तो जंग होगी नहीं। जब इनकी किताब नहीं बिचती तो बच्चा पढ़ क्या रहा है उसमें, और करंट अफेयर तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऑनलाइन काम हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले, सब कुछ ऑनलाइन काम हो रहा है। बुक्स चाहिए तो ऑनलाइन जा रही है, पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन हो रही है। जितने दुकानदार भाई हैं सब हैं, सब ऐसे खाली बैठ रहे थे, सुबह 2-4-10 किताब बेच लेते। इवन यहाँ पर अपने लेबरों की सैलरी भी देना मुश्किल हो गया इन लोगों को, भाइयों को। आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये मतलब हम यही कह रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत कम है। अब जो भी हम लोग काम करते हैं कुरियर के थ्रू भेजते रहते हैं, और वैसे कि पहले जैसे इतना सेलिंग नहीं है, और दुकान चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल। तो दोस्तों निकालने मुश्किल हो रखे हैं लोगों पर भैया, और जेब से कहाँ तक कब तक किराया देंगे अच्छी बताओ ना आप। हैं लोगों ने अपने जो दुकानों से अपने जो लेबर थे जो काम करने को तक हटा दिया। अब वो लोग मैंने कई लोग देखे जो बुक्स पे बेचते थे, इवन काउंटर बैठते थे, आज वो पर्चे चिपका रहे हैं, वो पर्चे चिपका रहे हैं। जो कितने नीचे लेवल का काम है, जो बेचारा कैशियर था पढ़ा लिखा ही तो होगा, वो आज पर्चे चिपका रहा है। बेरोजगारी का आलम ये है, और जो ये बहम फैलाया जा रहा है ये टोटल गलत है। अभी कोचिंग ऑफलाइन चालू नहीं हुई है, अगर चालू होंगी तो सबके सामने आ जाएगा। आप सबसे पहले कलेक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले कलेक्टर बने, मेरा सबसे पहला रहेगा शिक्षा में सुधार करना, और सबसे पहले शिक्षा को राजनीति से अलग करना। राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा शिक्षा होती है। आपको नहीं लगता कि देश में रोजगार की जरूरत है यार? आपको लगता है आपका कोई छोटा भाई बहन कोई तो होगा रिश्तेदारी में जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन नौकरी है क्या? 2 साल में एक भर्ती नहीं क्लियर होती आराम से। 3-3, 4-4 करोड़ बच्चा फार्म भर रहा है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनता ने उतना यहाँ लोगों ने फार्म भर रखे हैं, और ना जाने कितनों को छूट गए। सोचो एक देश से ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगार है। हालत देखो क्या है ना, सरकार इतने करोड़ रुपए में संसद भवन बना सकती है, उतनी वैकेंसी भी नहीं लगा सकती, इतने ऐड में खर्च कर सकती है। 2-2 हज़ार करोड़ रुपए ऐड में खर्च होता है, 2 हज़ार करोड़ से सरकारी नौकरी निकाल दे भैया, तनख्वाह 50,000 दे 40,000 दे, आदमी का पेट तो भरेगा यार, आदमी जिएगा तो सही, रोड पे भूखा तो नहीं मरेगा, घी रोटी नहीं खाएगा, घी रोटी नहीं खाएगा तो कम से कम दाल रोटी तो खाएगा यार। हालत देखो आप देश की क्या होती जा रही है, बेरोजगारी का आलम कहाँ तक बढ़ गया है। तो दोस्त इन चीज़ों पे मैं चाहता हूँ सरकार ध्यान दे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सबको बताएं कि भाई सिचुएशन क्या है, और सरकार तक ये बात पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।